किशनगढ़ के पुराने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के एक घर पर तीन युवकों ने दिनदहाड़े धावा बोलकर घर में मौजूद युवती का अपहरण कर लिया और घर में मौजूद पिता की डंडे व सरियों से पिटाई कर जख्मी कर दिया। आरोपी युवकों ने दहशत फैलाने के लिए घर पर फायरिंग भी की। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वारदात की जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। दूसरी ओर घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाउसिंग बोर्ड में बंद मैरिज हॉल के पीछे गली में सुभाष जायसवाल व उनकी पत्नी शशि और पुत्री पूजा घर पर ही थे। इसी दौरान करीब 3 बजे तीन युवक थार जीप में सवार होकर आए और उनकी पुत्री को ले जाने लगे। विरोध करने पर डंडे व सरियों से सुभाष की जमकर पिटाई की। इससे सुभाष लहूलुहान भी हो गए। बाद में मकान पर पिस्टल से फायरिंग भी कर दी। बाद में तीनों युवक हथियारों को लहराते हुए युवती का अपहरण कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर घायल सुभाष को उपचार के लिए राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। किशनगढ़ कस्बे के महावीर मदनगंज कस्बे के अंदर एक आज करीबन 2 बजे 2:30 बजे घटना हुई है। स्थानीय लड़का सुनील कुमार, सुनील नाम था, सुनील जाट है, वहाँ का मदनगंज का रहने वाला है, जो वहाँ पड़ोस में किसी लड़की से उसके संपर्क थे और उस संपर्क के कई लंबे समय से थे। पहले भी कोई प्रकरण हुए हैं, शिकायतें हुई है, घर वाला दोनों से समझौते भी हुए हैं, लिखा पढ़ी भी हुई है। आज वो सुनील और सुनील के दो साथी को आए उनके घर के ऊपर। वो लड़की की अब सहमति से असहमति तो बाद में देखेंगे, जब वो लड़की सामने आएगी हमारे। ये बात सही है कि उस लड़की को वो सुनील और उसके दो साथी जबरन घर से उस समय उठा करके ले गए हैं। थानाधिकारी मदनगंज, CO किशनगढ़ सिटी मौके पर है, मौके का निरीक्षण किया है। उसके बाद में तो उस समय उसके बच्चे के जो माता पिता थे वो घर पर ही थे, उनके विरोध में फादर के कुछ चोटें आई है, उनको किशनगढ़ राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस उसकी, सुनील और उसके साथियों की, लड़की की तलाश के अंदर प्रयास कर रही है। क्या ये जानकारी अभी तक जो हमारे पुलिस सूत्रों के अनुसार है, चूँकि उन्होंने घर के अंदर का बाहर का घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उसमें फायर आर्म से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं आई है। लड़की के पिता का जो डॉक्टरी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी डॉक्टरों ने ऐसी कोई नई बात बताई है कि कोई जो इंजरी इनकी आई है वो फायर आर्म से संबंधित है। इस आधार पर वर्तमान अभी इस समय पर ये इस बात को नहीं कहा जा सकता अंतिम रूप से कि कोई फायर की घटना हुई है। ये किसका बेटा था जिसके लड़के, लड़का सुनील है, सुनील है, गेगल के पास कोई गांव है, आखिरी गांव का रहने वाला है, महावीर जाट है, महावीर जाट का रहने वाला है।